आज हमारा टॉपिक है जी बायो एलिमेंट्स। हम बायो एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। बायो एलिमेंट्स डिफाइन करें तो वो क्या चीज है? बायो एलिमेंट्स व्हिच अकर इन पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ना वो मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं जी बायो एलिमेंट्स। अब बायो मीन लाइफ, एलिमेंट्स मीन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो कि लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हो उसे हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, हमारे पास अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं एलिमेंट्स, वो है जो 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड सो फार, उसमें से हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स। तो ये 16 एलिमेंट्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं, हम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी अमाउंट के अंदर क्या कर रहे हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को वो बना रहे हैं, उसके बगैर क्या है ये गुजारा नहीं है। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स में से कोई एक बायो एलिमेंट अगर मिस हो गया तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है क्या होगा, वो अनफिट हो जाएगा, वो ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रह पाएगा। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, दो टाइप्स के अंदर फर्दर डिवाइड करते हैं। नंबर वन हमारे पास क्या है, मैक्रो एलिमेंट्स। नंबर टू हमारे पास क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स मीन मैक्रो मीन लार्ज, हमें लार्ज अमाउंट में एलिमेंट्स चाहिए, वो क्या है हमारे पास मैक्रो एलिमेंट्स कहलाएंगे। माइक्रो मीन स्मॉल, ऐसे एलिमेंट जो कि थोड़ी अमाउंट में चाहिए, मगर चाहिए जरूर, इतनी अमाउंट में थोड़ी अमाउंट में चाहिए मगर चाहिए जरूर, हमारे पास क्या कहलाएंगे जी माइक्रो एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब इस 16 में से हमारे पास क्या है जी, जो 6 एलिमेंट्स हैं वो क्या है जी मैक्रो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो 10 हैं वो किसके अंदर लाई कर रहे हैं जी माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर लाई कर रहे हैं। अब 6 एलिमेंट हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ये माइक्रो एलिमेंट मैक्रो एलिमेंट्स क्या करें 99% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो बना रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1% जो है ना वो क्या है जी माइक्रो एलिमेंट्स है, 99% मैक्रो एलिमेंट्स, 1% हमारे पास क्या है जी माइक्रो एलिमेंट्स। अब हम इनको वन बाय वन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्या है जी मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि हाई अमाउंट में चाहिए वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी मैक्रो एलिमेंट्स कहलाएंगे। मैक्रो बीन बड़े लार्ज, तो लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए वो क्या कहलाएंगे जी मैक्रो एलिमेंट्स। वो कितने हैं जी हमारे पास 6 हैं, 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मैक्रो एलिमेंट्स। छह एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहला रहे हैं जी मैक्रो एलिमेंट्स कहला रहे हैं, वो कौन कौन से वो हम देखते हैं। ऑक्सीजन है नंबर 2 पे क्या है जी, कार्बन है नंबर 3 पे हमारे पास है जी हाइड्रोजन, नंबर 4 पे क्या है जी नाइट्रोजन, नंबर 5 पे है जी कैल्शियम, नंबर 6 पे है जी फॉस्फोरस है। अब ये हमारे पास क्या है 6 मैक्रो एलिमेंट्स है, क्या है ये मैक्रो एलिमेंट्स। अगर हम इसकी परसेंटेज चेक करें तो कितनी परसेंटेज है का ऑक्सीजन हमारे पास है जी, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, वो क्या है जी 65% है। नेक्स्ट कार्बन है वो है जी 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन हमारे पास है जी 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस क्या है जी 1% है। अब ये क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो एलिमेंट्स बना रहे हैं। अब ये 99% क्या करेंगे पूरी की पूरी बॉडी को सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइक्रो एलिमेंट्स वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो मीन लेस, ऐसे एलिमेंट जो कि लेस अमाउंट में रिक्वायर है वो क्या कहलाएंगे हमारे पास माइक्रो एलिमेंट्स कहलाएंगे। वो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये पोटेशियम, फिर है जी सल्फर, फिर है जी हमारे पास क्लोरीन,
फिर सोडियम, मैग्नीशियम और फिर आयरन। अब ये हमारे पास क्या है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि माइक्रो में मतलब लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है। उसकी परसेंटेज हम देखें तो परसेंटेज में ये क्या है 0.35% रिक्वायर है, ये क्या 0.25%, ये 0.15%, ये भी 0.15%, 0.05%, और ये क्या 0.04%। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास टोटली जो है ना वो बिल्कुल लेस अमाउंट में चाहिए, माइक्रो अमाउंट में चाहिए, हम ये कंस्टिट्यूट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1%, मतलब कि 1 और 1 के नजदीक जो है ना वो इसकी अमाउंट रिक्वायर है। अब ये क्या होगा, हमारे पास 6 एलिमेंट हो, जबकि हमने बात की 10 एलिमेंट्स की, जो क्या है हमारे पास माइक्रो एलिमेंट है, बाकी जो 4 माइक्रो एलिमेंट्स है वो क्या ट्रेस अमाउंट में, वो कौन से हैं, जिंक, कॉपर, मैंगनीज एंड आयोडीन। ये क्या हमारे पास ट्रेसिस है, ट्रेस अमाउंट मतलब बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में। अब ये अगर एलिमेंट हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना मिले तो नुकसान नहीं है, मगर ये लंबे अरसे के लिए अगर ना मिले तो फिर ये बहुत नुकसान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आयोडीन, तो आयोडीन हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, अगर ये हमें लंबे अरसे के लिए ना मिले तो ये गॉइटर बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह क्या होगी, डिजीज है वो लीड कर सकते हैं कहां तक कि डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म तक भी ये बात जा सकते हैं। इसलिए आयोडीन क्या है, हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए, मगर चाहिए जरूर, हम खाएं थोड़े अरसे बाद खा लें मगर इसे खाना जरूर पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टीज, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ बायोएलिमेंट्स, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले क्या है, ये बायोएलिमेंट स्पेशल प्रॉपर्टीज विच मेक देम सूटेबल फॉर लाइफ। वो क्या कर रहे हैं जी, सूटेबल कर रहे हैं जी लाइफ को। हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर सारे के सारे बायोलेट्स एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उससे हम क्या कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई एक बायो एलिमेंट मिसिंग हो गया, दो एलिमेंट मिसिंग हो गए, तो उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है, ये डेथ भी हो सकती है। सो सारे एलिमेंट्स मतलब कि 16 के 16 बायो एलिमेंट्स के हैं, ये वो लाजमी कंपल्सरी रिक्वायर है फॉर विच मेक लाइफ सूटेबल। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नीदर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, वही बात की ये क्या है, 16 के 16 बायोएलिमेंट्स के हैं प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ये मौजूद है, ये चाहे वो लेस अमाउंट में हो चाहे वो लार्ज अमाउंट में हो, मगर क्या है जी वो चाहिए लाजमी, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। लास्ट हमारे प्रॉपर्टी है, दीज प्रॉपर्टी